आओ बच्चों देखें, सवाल क्या बोल रहा? सवाल बोल रहा प्रेशर। तो क्या कैसा ये सवाल हो गया? तुम बोलोगे सर ये तो फिर प्रेशर थर्मोमीटर वाला सवाल हो गया। हम बोलेंगे हाँ, प्रेशर थर्मोमीटर का रूल जानते हो? तुम बोलोगे हाँ जानते हैं। क्या है? एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर ऑफ मर्करी कॉलम, अभी उसको छोड़ो, फॉर्मूला क्या था? तुम बोलोगे फॉर्मूला था P100 माइनस P0 अपॉन 100, करेक्ट, डिग्री सेल्सियस, विच वॉज हाँ सर, इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नॉट अपॉन टी डिग्री सेल्सियस। हमसे क्या पूछा? देन फाइंड टेम्परेचर, टी डिग्री सेल्सियस पूछ रहा, बता देंगे। P100 पे कितना था? P100 पे कितना था? 50 सेंटीमीटर। देखो P100 पे नहीं, 0 पे था, 0 पे था। एंड प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 60 सेंटीमीटर, तो 100 पे कितना है? 60। 100 पे कितना? सॉरी अरे यार 60 है। माइनस माइनस इस पे कितना है? 50। 0 पे अपॉन 100, कितना तापमान बढ़ाया है? 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100, विच वॉज इक्वल्स टू पीटी पे कितना था? देन फाइंड टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज 55। पीटी पे कितना था प्रेशर? 55। माइनस पी नॉट पे कितना था? 50। 50 50 अपॉन टी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये करके बता दे है? आ जाएगा ये कटकुट कटकुट होके कितना हो जाएगा? 1/10। अरे कितना हो जाएगा? 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 5। 55 माइनस 5 बाई टी डिग्री सेल्सियस, तो टी बराबर कितना हो गया? 50 है? बोलो 50 डिग्री से होगा। इजी था। हाँ किसी को कोई दिक्कत? नहीं, ओके, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन लेट्स मूव अहेड विद अ न्यू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इजी क्वेश्चन तो मैंने किया, टफ वाला तुम लोग करो। लो रेजिस्टेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 50 ओम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 80 ओम, देन फाइंड रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री सेल्सियस। मित्रों ये सॉल्व करना है ना? कितना आया आंसर रोनाली? नहीं रुको करती हूँ अभी। कर दिए तुम सॉल्व, तुमसे ना हो पाएगा, तो हो गया तो सर अच्छी बात है ना, करो जल्दी सॉल्व करो, ओमकार सॉल्व करो यार, भाई। सर यस यस रामू, आंसर क्या आया? एक बात मुझे बताओ, टॉप पे कितना गया? तुम बोलोगे सर टॉप गया है 100 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन शुरू 0 से नहीं हुआ है, देख लो कहाँ से शुरू हुआ, 25 से। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखेंगे R100, क्या लिखेंगे? R100 माइनस R25, कितना लिखेंगे? R25। तापमान कितना बढ़ा है? 0 से 100 था तो 100 बढ़ा, 100 से 25, सॉरी 25 से 100 बढ़ा तो कितना? 75 ही बढ़ा है ना? अरे भैया हाँ 75 ही बढ़ेगा ना, ठीक है। विच विल बी इक्वल्स टू RT माइनस R25 बाई टी डिग्री सेल्सियस। अरे हाँ या ना?
यही हम बोले थे कि क्या लिखता है वो ध्यान देना है, जीरो से हम बार बार देख रहे थे, ये 25 से दे दिया, आओ वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, R100 पे कितना है रेजिस्टेंस, 80 ओम है, एटी कितना है 80 ओम, माइनस कितना है इस पे, पचास इस पे है तुम्हारा ले दे के 50 ओम अपॉन 75 ओम, विच विल बी इक्वल्स टू आरटी पे कितना है, देन फाइंड रेजिस्टेंस, ये आरटी पूछ रहा है, टी डिग्री सेल्सियस दे दिया देखो 60 डिग्री, ठीक है आरटी को हम आरटी रहने देते हैं, माइनस 25 का कितना है 50 और टी का कितना है, ओनली कटकुट कटकुट खेल लेंगे, आओ आओ खेले, ऊपर 30 नीचे 75, कितना से काटोगे दोस्तों, 15 से काट देखा, 15 15 से हाँ काट देखे, काटो, काट दो 15 5 75, होता है कि नहीं होता है, देखो ना कोई कुछ बोल बोलता है, तुम लोग यार नहीं बोल तो रही रहे, तुम लोग यार बोलो, तुम लोग देश के भविष्य हो है ना, वो ऐसा देश वाले मानते हैं, दो देश पांच वाले, हाँ आप सात, नहीं मानते। हम क्यों माने, ये 120 हो गया इधर, ये कितना हो गया, क्योंकि हम हकीकत समझ रहे हैं ना, इसलिए माइनस 50 पंचे क्या 250 मतलब, कितना हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो, है हमको लगता है कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया कुछ, नहीं सही सही, आओ आरटी 5 कितना हो जाएगा, जोड़ो तो कितना हो जाएगा 25, आई कितना 270, 370 हो जाएगा, 370 को 5 से डिवाइड करो तो सही है ना, अरे सही है ना, हाँ सर लिखो, वैसे हम अभी सबको 5 से डिवाइड कर सकते थे लेकिन मैंने मूर्खता किया, तब ये कट ही जाता है अभी, नहीं यहीं पे कर देते सबको, 5 से डिवाइड नहीं कट जाता, ठीक है कोई नहीं जाता करो, कोई नहीं अब कर दो, हो गया तो 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 6 5 30, अब बचा कितना है इधर, 6 5 30 तो बचा 70, 70 देखो। तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 है, 6 5 30 5 है ना, 7 5 35 हाँ 70 हो गया, सर 75 हाँ इतना ही आना चाहिए ना, 74 ना सर, हाँ सही कुछ आना चाहिए, 7 5 7 5 35 बचाएगा 120 बचा, अरे 74 आएगा भाई, 74 ओम, 74 कोई दिक्कत बताइए मित्रों, कोई दिक्कत इजी, अरे इजी, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दिया, ठीक है ना 74 ही होगा ना योगेश दादा, गलत सलत तो नहीं बता दिया, 74 ही हाँ होगा, सर, 7 5 35 यानी 350 कट गया, बचा हाँ 20 सर, तो 5 चौका 20 74, देखो हम हिंदी में थोड़ा बोलते हैं पहाड़ा वहारा, क्योंकि हमको बचपन में हिंदी में पढ़ाया गया था, वो अलग बात है इंग्लिश स्कूल में थे बट याद हमको हिंदी में ही होता था, तो हम हिंदी में याद कर लेते थे, तुम लोग इंग्लिश में याद करते हो गए है ना, हाँ सर, देखो ना हाँ भी बोल रही है काफी गौरव के साथ, तो फिर सर किसने मैं हमारा टीम में पार्ट किया मैंने? हिंदी में पढ़ने में दिक्कत है, नहीं भाई हिंदी लेकिन मराठी, हिंदी मराठी किसी भी चीज में अपने लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ। उसमें याद जल्दी रहता है ना, हाँ सर, इंग्लिश में तो समझिए नहीं आता है क्या है, थर्मल एक्सपेंशन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, एकदम ध्यान से सुनना है, एक्सपेंशन होगा क्यों, हीट तुम बोलोगे सर हीट की वजह से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर तो तुम बोलोगे हाँ सही है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं बताओ, सकते हो। बिल्कुल बोल सकता हूँ, लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, लीनियर एक्सपेंशन का एक ही मतलब है लेंथ में बढ़ाई, लेंथ में बढ़ना, समझ आया कि नहीं आया, हाँ बोलो बोलो ठीक, समझा। यस, अब देखो तो मैं बोल रहा हूं कि कोई रॉड है, ओमकार ध्यान से सुनते जाना, कोई रॉड है, तुम बोलोगे हाँ सर रॉड है, अब इस रॉड का लेंथ पहले
हम मान लेते हैं एल नॉट है, कितना है एल नॉट, तुम बोलोगे ओके डन, हम तापमान बढ़ा दिए, तो तापमान बढ़ाने के बाद इसका लेंथ कुछ बढ़ गया, इसका लेंथ कुछ बढ़ गया, चेंज हो गया, तुम बोलोगे ओके कितना चेंज हुआ, हम उसको बोल रहे हैं डेल्टा एल, कितना बोल रहे हैं हम इसको, जो बढ़ा है उसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, तुम बोलोगे ओके ठीक है। हाँ चेंज इन लेंथ क्या होगा, अगर ये मान लो ये मैंने बोल दिया दिया फाइनल लेंथ एल एफ है, ये क्या है एल फाइनल, और ये क्या है एल नॉट इनिशियल, तो डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा भाई, डेल्टा एल किसके बराबर आएगा दोस्त, तुम बोलोगे एल फाइनल माइनस एल नॉट, यही होगा, होगा कि हाँ नहीं होगा, तुम बोलोगे हाँ एकदम सही है ठीक ठीक अब तुमसे मैं पूछूं कि भाई एक्सपेंशन होता क्यों है, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताओ एक्सपेंशन क्यों होता है, तो तुम बोलोगे सर बहुत इजी है ये चीज, हम जानते हैं कि सारे पार्टिकल सारे जो चीज है वो कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल से बने, हम बोलेंगे हाँ तो ये पार्टिकल ऐसे अरेंज थे, आपने क्या किया तापमान बढ़ा दिया, हमने क्या किया इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ऐसे बैठे हुए मान लो, हमने क्या किया टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना, राइज इन टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर राइज करने की वजह से इनका और इनका डिस्टेंस बढ़ गया, क्यों क्योंकि ये मोशन में आ गए हैं, ये थोड़ा मोशन में आ गए, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, तुम बोलोगे हाँ तो ये थोड़ा भाग के यहाँ चला आया, ये भाग के यहाँ चला आया, तो ये भी इससे दूर जाएगा, ये भी इससे दूर जाएगा, ये भी इससे दूर, ये भी इससे दूर, ये भी इससे दूर, ये भी इससे, ये भी इससे, ये भी इससे, तब सबसे दूर जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, अरे दोस्तों हाँ या ना बोलो, चाहेगा दूर जाना। अगर दूर जाना चाहेगा तो कोई बचेगा, तुम बोलोगे नहीं सब थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे, और इस वजह से कुल मिला के लेंथ चेंज हो जाएगा, तो मैं ये बोल दूं क्या, मैं ये बोल दूं क्या कि ये जो लेंथ चेंज हो रहा है ये जो डेल्टा है ये टेम्परेचर पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, तुम बोलोगे बिल्कुल, तुम बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मैं बोलूंगा ये एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का मान लो 1 सेंटीमीटर का कोई रॉड है, तुम बोलोगे ओके, और ये 1 मीटर का रॉड है, ये 1 मीटर का रॉड है, तो अगर मैं तापमान देता हूँ एक्सपेंशन करवाता हूँ, ज्यादा एक्सपेंशन किस में होगा, डेल्टा एल किस में ज्यादा देखने को मिलेगा, तुम बोलोगे सर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये थोड़ा ही यहाँ एक्सपेंड करेगा, ये 1 मीटर का है तो मीटर में एक्सपेंड करेगा, भाई इसमें 10 पार्टिकल है ना तो 10 पार्टिकल के हिसाब से थोड़े बहुत एक्सपेंड करेंगे, और इसमें मैं बोल रहा हूँ 1000 पार्टिकल है तो 1000 में ज्यादा होगा ना एक्सपेंशन, भाई कुछ जरा सोचो ये 1 सेंटीमीटर का है तो क्या खुद 1 मीटर एक्सपेंड कर जाएगा, नहीं कभी नहीं करेगा, लेकिन ये 1 मीटर का है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो एक्सपेंड कर जाएगा ना, ये तो 1 सेंटीमीटर इसके लिए कुछ नहीं हुआ तो 2 सेंटीमीटर ऐसे ही एक्सपेंड कर जाएगा, आया ना, यस तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि डेल्टा एल जो यानी चेंज इन लेंथ वो एक्चुअली में लेंथ इनिशियल लेंथ पर भी डिपेंड करता है, अगर कोई छोटा है तो कम एक्सपेंशन होगा, कोई बहुत बड़ा है तो ज्यादा एक्सपेंशन होगा, ऑब्वियस सी बात, क्यों आर्यन बताओ, ओमकार योगेश सभी लोग बताएं, समझ रहे हैं क्या, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा बहुत, हाँ सर, कोशिश कर रहे हो आर्यन समझने का या समझ रहे हो, ईमानदारी से बोलो, चलो ईमानदारी भैया ओके ईमानदारी से समझ रहे हो, तो अब डेल्टा एल यहाँ पे हमारे पास आया है कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है और डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट है, एक्चुअली डायरेक्टली टेम्परेचर लिखना गलत हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर है, पहले भी तो उसके पास कुछ टेम्परेचर था ना, हमने दे दिया कुछ चेंज हुआ, तुम बोलोगे हाँ ठीक, तो मैं यहाँ पे डेल्टा एल बराबर, तुम बोलोगे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कुछ कांस्टेंट आता है, कुछ एक कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है दोस्त, बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट आता है जिसे मैं लिखूंगा अल्फा, क्या मैं लिखूंगा अल्फा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, क्या हो जाएगा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या है दोस्त अल्फा कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अरे यार फॉर्मूला देखो ना कहाँ से आया, ये डायरेक्टली था तो डायरेक्टली लिख दिया, ये डायरेक्टली था तो डायरेक्टली लिख लिया, बस हाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने क्या लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कॉन्स्टेंट हमने क्या लिख दिया, इज इक्वल्स टू लिख दिया, और क्या किया, इज इक्वल्स टू लिखा तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, तो यह अल्फा, ये क्या है अल्फा, ममता कुछ समझ रही हो या बस बैठी हो मूर्ति बन के क्लास में, देख रही हूँ सर। देखना नहीं है समझने की कोशिश करना है, क्या करना है, कोशिश और तुम कोशिश ही कर सकती हो, क्यों पढ़ाई वढ़ाई तो करती नहीं हो, हाँ वैसे भी अभी तो हम किसके पीछे पड़े थे, ओमकार के पीछे पड़े हुए थे ना, तो ममता को आज छोड़ो, इसको हटाओ, ओमकार को लाओ सामने, ओमकार ये बताओ कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन समझ आया अल्फा, बताइए
हाँ सर, गुड, वेरी गुड। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है अल्फा? अगर तुमसे पूछा जाए अंकल ये बताओ अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अल्फा डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्या कह सकते हैं सॉलिड को, क्रिस्टल, नेचर ऑफ क्रिस्टल कह देते हैं, नेचर ऑफ द क्रिस्टल बोलोगे? ओके, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है अल्फा। यस, अगर तुमको ये मिल जाए कहीं पे तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करवा देना, लेकिन कंडीशन है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ना लिखे तो मत कोई रिलेशन बना देना जबरदस्ती। ओके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्या अल्फा को हम सर, यहां से, अच्छा चलो आपने डेल्टा अल्फा अल्फा को के आगे क्या लिखा है सर? डिपेंड्स ऑन नेचर वो ऑफ द डिपेंड्स, क्रिस्टल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द क्रिस्टल। आर्यन लिख रहे हो क्या नोट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ठीक है, नहीं ओके ठीक है, आगे आओ। मुझे जूस दे दो, 1 मिनट बच्चों, आओ बच्चों देखो इधर। मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा एल को अपने पास फॉर्मूला क्या था, तो मैं लोगों के फॉर्मूला था डेल्टा एल बराबर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, यही था कि नहीं था बोलो? हाँ। क्या डेल्टा एल को योगेश दादा हम एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लिख सकते हैं क्या, जो कि अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा? तुम बोलोगे हाँ अभी तो ऊपर ऊपर हमने किया था ना, किया था कि नहीं किया था? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, तो मैं ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताओ इसी फॉर्मूला की मदद से एक चीज हम लिखने जा रहे हैं, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं? तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्यों लिखे है? इससे हमें ये पता चला कि अल्फा का यूनिट क्या होगा, क्या होगा यूनिट बताओ? तुम बोलोगे लेंथ, लेंथ का यूनिट तो कट जाएगा ना, तो बस टेम्परेचर इन्वर्स आ जाएगा। टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट? डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं डिग्री सेल्सियस का पावर -1 या फिर केल्विन का पावर -1 लिख दो? इन्वर्स आया ना, बोलो लिख सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताना, हे ममता सॉरी ओमकार, ये एल इनिशियल, अच्छा एल इनिशियल को मैंने एल नॉट लिखा था ना, तो यहाँ पे हम इनिशियल क्यों लिख रहे हैं? एल नॉट ही लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं दोस्त? तो एल नॉट को मैं इधर लेके जाऊंगा तो वो ऐड हो जाएगा ना, तुम बोलोगे हाँ, तो एल फाइनल का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? एल नॉट इधर जाएगा तो एल नॉट को हम देखो कॉमन लेके निकाल दिया, तो कॉमन लेके निकाल देंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम तो एक फॉर्मूला याद रखो, उसी से सारा फॉर्मूला बना लेना, वो तो हम देख रहे हो ना, एक ही फॉर्मूला को इधर से घुमा के वैसे लिख रहे हैं, वैसे घुमा के वैसे लिख रहे हैं, देख रहे हो? कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इधर से हाँ घुमा के उधर, सर, उधर घुमा के उधर लिख। क्या योगेश दादा, आओ एक सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं, ले ले मित्रों। मैं अभी जो क्वेश्चन लिखूंगा ना, उसमें मैं अल्फा को A1 बोलूंगा और A2 बोलूंगा, तुम लोग क्या लिखोगे? अल्फा, क्या लिखोगे? अल्फा। ओमकर गॉट इट? हाँ सर, आइए ओके क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर A1 एंड A2, लेंथ्स ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली, इफ I2 माइनस I1 इज मेंटेन्ड
सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड्स गुड्स? गुड्स तो नहीं होना चाहिए था, I2 I1 है ना, L2 L1 कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड, मैं L2 L1 कर देता हूँ, है ना। दोस्तों लिख लिए क्या? एक मैं सॉल्व करूंगा, बाकी तुम लोग कर लेना। कर लोगे? नहीं सर, ए टू ए हाँ वन को क्या करना सर, है? अल्फा। हाँ सर, हो जाएगा? ये किसके साइड से है? जल्दी जल्दी लिखो, है ना। एक सवाल खत्म नहीं करोगे कि दूसरा सवाल रेडी रहेगा। तुम लोग तो जानते हो मुझे। लिख लिए? चलो मैं अल्फा अल्फा लिखता हूँ। पहले क्या था? अल्फा वन, ये क्या? अल्फा टू। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, दो दो बार पूछा गया है नीट और आईआईटी में भी पूछा गया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं अगर नहीं लिख पाऊं तो, है ना, वैसे आईआईटी में 1999 में पूछा गया था। ऑप्शंस दे दो मित्रों, क्या मैं ऑप्शंस दे दो? ले लो ऑप्शंस, ले लो, दो। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अल्फा वन का होल स्क्वायर एल टू विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा टू का होल स्क्वायर एल वन। ऑप्शन बी, अल्फा वन एल वन विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा टू एल टू। लिख रहे हो दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस डराने के लिए ऑप्शंस दिया जाता है। अल्फा वन एल टू विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा टू एल वन। ऑप्शन डी, अल्फा वन एल टू का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा टू एल वन का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करें क्या, इसको सॉल्व करें। कर ले ममता, क्या हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें? देखो हाँ कोशिश ही कर सर, सकते हैं, सॉल्व तो होगा नहीं हम लोग उसे। कोशिश आओ, बोल रहा है कि एक स्टील रॉड है और एक है ब्रास का रॉड। ये स्टील है मान लो, ये है ब्रास, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर अल्फा वन, ये अल्फा वन है, ये अल्फा टू है। लेंथ ऑफ ब्रास रॉड एल वन एंड ये है एल टू, ठीक है। इफ एल टू माइनस एल वन इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड? बहुत इजी है। क्या बोला है कि इसमें जो डेल्टा एल आएगा, जो भी एल वन, वो डेल्टा एल टू चेंज दोनों का बराबर है। चेंज, समझ रहे हो? नहीं, एल टू माइनस एल वन का बोल रहा है ना, बराबर। एल टू माइनस एल वन का बोल रहा है बराबर, क्यों दोस्त? एल टू माइनस एल वन का, अच्छा हाँ, तो बराबर ही हुआ। देखो पहले एल टू था, ये एल वन था, तो इनके बीच में चेंज है, कुछ चेंज है, मान लो एक्स, बोलो क्या। अब इसका तापमान बढ़ा के एल वन डैश कर दिया, इसको भी उतना ही टेम्परेचर देके बढ़ा के कितना कर दिया, एल टू डैश कर दिया। तो अभी भी इनका जो डिफरेंस है वो अभी भी एक्स है, अभी भी क्या है? एक्स है। बोलो कोई दिक्कत? ये बताइए कोई नहीं दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो तो वो उल्टा पड़ गया था दाव, अब देखो सही लिखने वाले। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं रोनाली? हाँ, पहले लिख के तो बताओ। अरे लिखेंगे ही, तुमको क्या लगता है? नहीं लिखेंगे? लिखोगे ना? देखो
सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूं कि पहले मान लो L2 था माइनस L1 था, तो अब क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे अब हो जाएगा L2 डैश माइनस L1 डैश, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? तुम बोलोगे बिल्कुल बराबर है। तुम बोलोगे ये तो बिल्कुल बराबर है। अगर बिल्कुल बराबर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, L2 डैश को इधर ले आऊं? तुम बोलोगे हाँ ले आओ। L2 डैश क्या है? फाइनल है। ये L2 था ना, अब क्या हो गया L2 से? L2 डैश हो गया। ये L1 से क्या हो गया? L1 डैश, तापमान बढ़ाने से। तो अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके पास ऑलरेडी माइनस है, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो क्या मैं ये लिखूं L2 डैश माइनस L2 विच विल बी इक्वल्स टू L1 डैश माइनस L1? होगा कि नहीं होगा बता दो यार। तो ये तो डेल्टा L2 आ गया। तुम बोलोगे हाँ ये किसके बराबर हो जाएगा? ये डेल्टा L1 के बराबर। तुम बोलोगे अरे हाँ ये तो बहुत ईजी है, तो डेल्टा L2 डेल्टा L1 का फॉर्मूला रख दो। तुम बोलोगे हाँ रखते हैं। डेल्टा L2 का फॉर्मूला कितना था? तुम बोलोगे ये था अल्फा L1 डेल्टा टी L2 डेल्टा टी, याद आ रहा है? अरे अल्फा L0 डेल्टा टी था ना पहला, डेल्टा L का हाँ फॉर्मूला L0 अल्फा डेल्टा टी, सबसे पहला फॉर्मूला तो यही था बच्चों वाला, विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा जो भी है, α1 इसका ले लो, इसका α2 ले लो क्योंकि दिया है यहाँ पे। अरे यार इसका 2 है तो ये 2 लिख रखो ना, क्या गलत सलत लिखना सब कुछ। कुछ भी मतलब लिखे जा रहे, ओमकार का आंसर आ गया, सही आया। देखो डेल्टा L2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, α2 L2 टी डेल्टा टी। तुम बोलोगे हाँ इक्वल्स टू इक्वल्स टू α1 L1 डेल्टा डेल्टा टी। बोला है डेल्टा टी से इंडिपेंडेंट है, खुद देखो क्या बोल दिया है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ भी कर दो वो हमेशा सेम ही रहेगा, तो भाई जब सेम ही रहेगा तो टेम्परेचर को हटा दो, क्या हो जाएगा α2 L2 विल बी इक्वल्स टू α1 L1। आंसर इजी, स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया, इजी बताइए। हाँ सर, क्या किसी को कोई दिक्कत है? हे बच्चों एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। क्या मैं दूसरा सवाल दूं? लेकिन दूसरा सवाल दूं एलर्जी क्या? ले लो दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल, सॉल्व करोगे? करो, मुझे लिखने दो पहले। अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज। ये कैसे बहुत इजी हो गया पता है? ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है α2 L2, देखो तो दिख रहा फॉर्मूला योगेश दादा भाई, सर। ये तो काफी सरल हो गया है मृणाली यार, ये तो काफी सरल हो गया तुम्हारे लिए, क्या कह रही हो तुम? हाँ सर, कह रही हूँ। हाँ कह रही हो तुम, तो ठीक है कहो, हाँ बोलो फिर, बोल हाँ लो, सर, हाँ बोल लो। आओ हाँ इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अल्फा कॉपर लिखा है Cu, कितना 1.7 × 10^-5 है ना, केल्विन इनवर्स, केल्विन में होना चाहिए क्योंकि केल्विन क्या है, एसआई यूनिट, क्या है एसआई यूनिट। दूसरा अल्फा एल्यूमिनियम दिया हुआ है, वो कितना है दोस्त 2.2 × 10^-5 केल्विन इनवर्स। तुम बोलोगे ओके, ऑप्शंस भी कुछ कुछ गिवन है दोस्तों, एक ऑप्शन है 68 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 6.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 113.9 सेंटीमीटर, थोड़ा ऊपर कर ले, ऑप्शन डी जी है 88 सेंटीमीटर। लिख लिया? रहे हैं, हाँ लिख लिए।
अब क्रक्स ये है कि ये 2019 में पूछा गया है। गाइस बताइए, रिलेशन यार ऊपर ही दे दिया टेम्परेचर का, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सवाल सॉल्व करके फेंक दो प्लीज प्लीज, हाँ सर, खत्म करो। अच्छे से सॉल्व करेंगे करो करो अच्छे से सॉल्व करो। लेंथ का हो गया खत्म, अब दूसरे पे चलेंगे, एरिया वेरिया पे। अभी। सर 68 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सभी लोगों को आ गया क्या? क्या मुझे बार बार रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं करने वाला, ये तुम लोगों का काम है। क्या हो जाएगा? अल्फा वन एल वन विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा टू एल टू, सिंपल। तो क्या है, अल्फा वन का वैल्यू मैं कॉपर ले लेता हूँ, कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर, तो अल्फा वन कितना है, 1.7। देखो 1.7 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 88 है ना, विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा टू कितना है। अच्छा मुझे उसका एल टू पता करना ना, एल टू डिवाइडेड बाई सीधा कर दो अल्फा टू, अल्फा टू का वैल्यू 2.2 इंटू 10 का पावर -5, 10 का पावर -5 -5 कट गया, 17 और 22 है ना, नीचे 22, ये 4 से काटो कट गया, 17 चौका 68। ये पॉइंट पॉइंट पहले ही उड़ा दिए थे तो टेंशन मत लेना, 22 चौका 88, 17 चौका 68, आंसर आ गया। हो गया, इजी था दोस्तों। कितना हो गया, 68 सेंटीमीटर। बोलो अच्छा बोलो, ओमकार ममता सभी लोग बताए, इजी और वेरी वेरी इजी। ओमकार गलत हो गया, ये आंसर तुम्हारा 68 सेंटीमीटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करते हैं हम लोग किस में चेंज, एरियल एक्सपेंशन यानी एरिया का एक्सपेंशन, वॉल्यूम का एक्सपेंशन है ना, सबके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।